क्लियर बच्चों? यस बच्चों, सबसे पहले आप जब भी कोई न्यू टॉपिक, जब भी कोई क्लास होगी बच्चों मेरी, आप स्टार्टिंग न्यू पेज से किया करो, चाहे पीछे वाले पेज पूरा खाली क्यों ना हो, चाहे एक लाइन क्यों ना लिखी हो, न्यू क्लास न्यू पेज से, और उस पर डेट भी डाला करो। आज की डेट डाल देना, आज शायद 14 है ना। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, लॉ ऑफ एडिशन का दोबारा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो आप लिखोगे आज। यस बच्चों सोम जल्दी हेलो कर दिया कर बेटे, जब भी आते हो हेलो कर दिया करो। ओके लिखो आप सभी, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम एन ऑफ ए यूनियन बी भी बोलते हैं। यस बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी भी बोलते हैं बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, एन ऑफ ए यूनियन बी, लॉ ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस ज्वाइंट सेट्स में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है। दिस ज्वाइंट का मतलब है जिसमें इंटरसेक्शन जीरो हो। तो अगर बच्चों दिस ज्वाइंट सेट्स में क्या होगा, फॉर दिस ज्वाइंट सेट्स क्या होगा बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस जीरो। तो जल्दी से ये फॉर्मूलेस आप लिख चुके हो पहले से ही, है ना, आप ही नोट कर लो। और नई चीज क्या बताने जा रहा हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू। यस बच्चों, ये जल्दी से बच्चों आप इसको एक बॉक्स में डाल दो, रेड बॉक्स में डाल दो, चाहे ग्रीन बॉक्स में डाल दो, लॉ ऑफ एडिशन, एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो जल्दी से इन फॉर्मूले को लिखो बच्चों फास्ट। इसके आगे और भी फॉर्मूलेज हैं। यस बच्चों, रेडी, नेक्स्ट है बच्चों, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, हम चाय पिएंगे पर कॉफी नहीं पिएंगे। यस बच्चों, याद करो मैंने आपको बताया था, हम चाय पिएंगे पर कॉफी नहीं पिएंगे। एन ऑफ ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। और इसको सोल्व करना हो तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एन ऑफ ए माइनस बी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई बच्चा इसका उल्टा करना चाहे तो बच्चों कैसे करोगे, मान लो एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो कॉफी पीऊंगा चाय नहीं पीऊंगा, मैं तो कॉफी पीऊंगा चाय नहीं पीऊंगा, राइट। तो एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या तैयार होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जल्दी से आप इसको भी एक बॉक्स में डालो। यस बच्चों, इनको एक बॉक्स में डाल दो इन फॉर्मूलेस को। नोट कर लिया बच्चों सभी ने ये फॉर्मूलेस, बच्चों जल्दी से नोट कर लो सभी। पहले मैं फॉर्मूले लिखवा दूं सारे, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। रेडी बच्चों, अब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये सोचो मैं यहां लिख रहा हूं, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए सेट है, याद करो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट।
तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। ऐसे ही बच्चों यहां पर एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप एक बॉक्स में डाल देना, रेड बॉक्स में। अब एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एन ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक जैसे बच्चों, तो आप इसके लिए भी क्या करोगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, सेम बच्चों ऐसी, क्लियर। एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा बच्चों अगर तुम्हें पता हो, हम एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी यही फॉर्मूला है बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डी मॉर्गन्स लॉ याद करो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, याद करो आप, डी मॉर्गन्स लॉ में दोनों इक्वल होते हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको पता है हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइदर ए नॉर बी, ना तो हम चाय पियेंगे ना ही हम कॉफी पियेंगे, ये वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते बच्चों, नाइदर ए नॉर बी, ना तो हम चाय पियेंगे ना हम कॉफी पियेंगे, इसको ऐसे लिखना, ना तो हम चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे। तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू दिस, और ये बच्चों इसके इक्वल है, राइट। तो ये सारा बॉक्स में नोट करो, नाइदर ए नॉर बी, ना तो हम चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे, ठीक है। रेडी बच्चों, टू सेट्स हैं ए एंड बी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर वन, ये एनसीईआरटी का नहीं है बच्चों, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, आरडी बच्चों। दो सेट्स है बच्चों मेरे पास, एक सेट है बच्चों एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एक सेट में मेरे पास 20 है बच्चों, 20 एलिमेंट्स है, और दूसरे सेट में एन ऑफ बी बच्चों, दूसरे सेट में 10 है, और जो इनका यूनियन है बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी वो गिवन है 25। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, फाइंड ए यूनियन बी। यस बच्चों दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी 25 है, और फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने, और दूसरा अगर इंटरसेक्शन 5 है तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये दो क्वेश्चन है बच्चों। तो आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे तुम्हारे होमवर्क में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी बच्चों इंटरसेक्शन निकालना हो तो ये डायग्राम गलत है बच्चों, आप डायग्राम ऐसी बनाओगे ऐसे, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालने, इंटरसेक्शन का मतलब है फर्स्ट पार्ट देखो, अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालने है इट मींस आपको डायग्राम ये वाली बनानी है, ओके बच्चों। अब यहां पर इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं, एन ऑफ ए लिखोगे आप 20, एन ऑफ बी लिखोगे आप 10। पहले बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, यूनियन बी 25 गिवन है, एन ऑफ ए 20 गिवन है, ये 10 गिवन है,
और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यहां से। चलिए इसको बच्चों इधर लेके आ जाओ और इसको बच्चों उधर लेके जाओ, राइट। तो देखते हैं क्या बन गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 30 माइनस 25 5 आ गया, राइट बच्चों। मैं इसमें और भी क्वेश्चन बना सकता हूं, कैसे, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ओनली ए फोर्थ क्वेश्चन ओनली बी। यस, ओनली ए का मतलब है जो केवल चाय पीते हैं, ओनली बी का मतलब है जो केवल कॉफी पीते हैं, राइट। तो ये बातें लिख लेना बच्चों। अब डायग्राम को देखो, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो सोच के देखो बच्चों कि मैं 5 को कहां लिखने लगूं, कि कहां लिखूंगा 5 को बच्चों, मैं यहां लिखूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आया फॉर्मूले से, पहले आपने लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, तो अब 5 को यहां लिख दो, क्लियर भाई, दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। ये 5 वो लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ये बड़े बेशरम हैं, ये तुम्हारे घर आएंगे तो चाय भी मांगेंगे और भी कॉफी भी मांग लेंगे, तो ये 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, ठीक है। अब बताओ ओनली ए थर्ड पार्ट का मैं आंसर दे सकता हूं, ओनली ए वाले बच्चे कितने होंगे, यस बच्चों तुम्हारे में से कोई बताएगा ओनली ए वाले कितने बच्चे होंगे, यस। तो 20 में से 20 में से 5 माइनस कर दो बच्चों, तो यहां पर 15 आ जाएगा, क्लियर। और ये 10 था, 10 में से 5 माइनस कर दो तो यहां 5 आ जाएगा, तो बच्चों ओनली ए का आंसर कितना आ गया, ओनली ए का आंसर आया 15, ओनली ए, केवल चाय पीने वाले 15 लोग हैं और केवल कॉफी पीने वाले 10 लोग हैं, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया था, 5 आया था बच्चों, क्लियर। तो यहां तक समझ आ गया है बेटे, क्या कहना चाहते हैं, हाँ 5 आया, हाँ 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 वो मेरी गलती है, ओनली बी का आंसर 5 है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों कह गया अगर इंटरसेक्शन 5 होगा, नल सेट होगा, तो बच्चों ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, पहले बच्चों नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मुझे रब करना है, थोड़ा बहुत पोर्शन रब करना है, जल्दी से इसको नोट कर लो। कर लिया बच्चों सभी ने, कुछ पूछने क्या, कुछ पूछने किसी ने, रिकॉर्डेड वीडियो में सब आएगा बच्चों, यस बच्चों। अब मैं सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं, सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं बच्चों, अगर इंटरसेक्शन बी तुम्हारा फाई है, अगर इंटरसेक्शन बी तुम्हारा नल सेट है, तो आंसर क्या होगा, एन ऑफ ए का आंसर है 20, एन ऑफ बी का आंसर है 10, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, यानी नल सेट 0, तो आंसर आ गया 30, तो आप यहां पर लिख दोगे आंसर 30। कंप्लीट बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, किसी बच्चे ने कुछ पूछने हैं तो अभी डिस्कस कर लो, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने हैं, यस बच्चों। कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों, क्या कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या, सभी को मेरी आवाज आ रही है, बताओ बच्चों, ओन। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आउट ऑफ टोटल 200 स्टूडेंट्स, तुम्हारी क्लास में 200 बच्चे हैं, लिख लो 200 स्टूडेंट्स हैं टोटल, लिख लो आप टोटल बच्चों, टोटल 200 है, टोटल स्टूडेंट्स 200, मैथ्स पढ़ने वाले 120 मैथ्स वाले बच्चे हैं, 120 मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स बच्चों 50 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, 30 दोनों पढ़ते हैं, 30 बच्चों बोथ का मतलब है मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड
find number of students, find number of students who study maths or physics, who study maths or physics. ये पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स और फिजिक्स. सेकंड है मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, ये वही है बच्चों जैसे चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, मैथ्स बट नॉट फिजिक्स. थर्ड है फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स बट नॉट मैथ्स. ओके फोर्थ है एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. ठीक है, ये चार क्वेश्चन बच्चों इसमें बन चुके हैं, चार क्वेश्चन. सभी बच्चे नोट कर लें, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? टोटल 200 बच्चे हैं तुम्हारे पास, राइट? टोटल 200 है, 120 मैथ्स वाले हैं, 50 फिजिक्स वाले हैं, 30 दोनों पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स और फिजिक्स. सेकंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ते हैं बट नॉट मैथमेटिक्स. और एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, फिर हम इनके आंसर से. ठीक है, चलिए बच्चों सभी बच्चे इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे. वेन डायग्राम बच्चों यहां पर लिखो मैथ्स और यहां पर फिजिक्स. फिजिक्स का कोडवर्ड बच्चों एनपी कर देता हूं, इसका कोडवर्ड एन ऑफ एम कर देता हूं. एन ऑफ एम मैथ्स के 120 है और फिजिक्स के 50 है और दोनों पढ़ने वाले 30 है. यस, इंटरसेक्शन बच्चों 30 है. क्लियर? अब बताओ बच्चों कि हम इस पूरे गेम को पहले भी खेल चुके हैं, दोबारा खेलने जा रहे हैं. बताओ ओनली मैथ्स वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स नॉट फिजिक्स का मतलब क्या है? हाँ यही तो है कि ओनली मैथ्स. तो 120 में से 30 माइनस कर दो 90 और 50 में से 30 माइनस कर दो 20. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, आंसर बच्चों फर्स्ट पार्ट एन ऑफ एम यूनियन पी यानी मैथ्स और फिजिक्स, इसका फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. मैथ्स पढ़ने वाले 120, फिजिक्स पढ़ने वाले 50, दोनों पढ़ने वाले 30. इसको सोल्व कर दो तो आपका आंसर आएगा 140. कोई डाउट? यस, कोई डाउट बच्चों? ये समझ आ गया सभी को? अब सुनो इसका चोर मेथड. यस बच्चों इसका चोर मेथड जल्दी से लिख लेना, चोर मेथड ध्यान से लिखना बच्चों सभी, जाग जाओ बच्चों सभी. अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो चोर मेथड क्या कहता है बच्चों? चोर मेथड कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा चोर मेथड है. यस बच्चों, तो चोर मेथड लिखो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी. आंसर चेक कर लो आप, ए में है 90, बी में है बच्चों 30, सी में है बच्चों 20, प्लस कर दो, प्लस करते ही बच्चों आपको 140 मिलेगा. तो आप फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे चोर मेथड से भी कर सकते हो. ठीक है, राइट बच्चों? अलाउड है बच्चों? बहुत से टीचर्स कुछ नहीं कहते, कुछ सन की टीचर्स आपको हर स्कूल में मिलेंगे, मेरे जैसे टीचर हंसते हुए नहीं मिलेंगे. तो जो बच्चों टीचर कूल है वो तुम्हें चोर मेथड के भी नंबर देगा. भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे को मत आंसर पता हो कि आंसर कैसे निकालते हैं. जो थोड़ी कि मुझे फॉर्मूला रटवाना है, ये जरूरी नहीं है बच्चों कि फॉर्मूला रटवाना है.
तो जो टीचर्स तुम्हें ये मजबूर करते हैं फॉर्मूला याद करने को, समझ गए ना? राइट बच्चों, अब सेकंड बच्चों, मैथ्स नॉट फिजिक्स चोल मेथड से बच्चों आंसर तुम्हें पता है, पर मैं इसको कैसे लिख रहा हूं बोर्ड पर लिखना बच्चों, मैथ्स नॉट फिजिक्स यानी एम इंटरसेक्शन पी डैश, इसको मैं लिख सकता हूं एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 120, और दोनों पढ़ने वाले कितने हैं बच्चों? 30। तो 120 माइनस 30 कितना होगा? 90। वैसे भी आप चोर मेथड से देख लो 90 ओनली ए, तो चोर मेथड क्या कहता है बच्चों? दिस इज इक्वल टू ए, ये चोर मेथड कहता है कि जो ए का आंसर है ओनली मैथ्स वाले वही तो आंसर आएगा। तो आप फॉर्मूला याद करो या मत करो, आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, वेन डायग्राम बनानी आनी चाहिए। थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड है फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, तो एनओपी माइनस एनओपी इंटरसेक्शन एम। तो फिजिक्स वाले 50 बच्चे हैं और 50 में से 30 माइनस कर दो तो 20 आंसर आ जाएगा, और चोर मेथड से देख लो, चोर मेथड कहते हैं सी आंसर, सी का मतलब है 20, ए का मतलब 90, बी का मतलब 30, सी का मतलब 20, तो चोर मेथड से भी आपका आंसर 20 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब रह गया फोर्थ, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तुम्हारे में से केवल मंथन बोलेगा कि इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, चोर मेथड से आंसर बता, वेन डायग्राम को देखकर आंसर बता, मंथन पार्थ, पार्थ बेटे एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, आप बता सकते हो चोर मेथड से आंसर? कीर्ति मेरी आवाज आ रही है? कीर्ति क्या मुझे सुन रही है? खुशी ने आंसर दे दिए, ओके, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे, यस, हाँ कीर्ति, कीर्ति बेटे आंसर बोल, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड बच्चों, पार्थ है क्या? पार्थ मंथन, अरे भाई बोला करो, yes, बेटे आंसर नहीं बोलते तुम, सर चैट बॉक्स में लिख दिया, लिख दिया था, अच्छा बड़ी स्पीड से आए थे ना एक्चुअल में, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का मतलब है कि ए प्लस सी, चोर मेथड बच्चों, इसका आंसर चोर मेथड से ए प्लस सी, ए प्लस सी चोर मेथड से आंसर, तो 90 प्लस 20 110 ये आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी से आप नोट कर लो, कुछ भी डिस्कस करने तो अभी मुझसे पूछो। ऐसे ही फिजिक्स नॉट मैथ्स का मतलब क्या होगा? फिजिक्स नॉट मैथ्स का मतलब है ओनली फिजिक्स वाले बच्चे, तो सारे बच्चे लिख लें, ठीक है ना, इसका मतलब है ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, और इसका मतलब है ओनली मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे, याद रखना इस बात को। हाँ बेटी बोलो, तो कि एक फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, वो जो है ना 200 बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट है भाई, स्कूल में 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चों पर सर्वे किया गया, तो उसमें से 200 बच्चों पर जब सर्वे किया तो उसमें से ये रिजल्ट आया, तो एन ऑफ ए यूनियन बी तुम्हारा, अब इस क्वेश्चन में एन ऑफ ए यूनियन बी आ रहा है 140 एम, है ना, तो 140 लेस देन 200, तो इट्स ओके बच्चों, इक्वल भी हो सकता है, यस इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 200 बच्चों पर ना सर्वे किया गया है उसमें से रिजल्ट निकाला गया है। बेटे
नेक्स्ट बच्चों, हाँ बेटे बोलो। बेटे वेन डायग्राम से अगर तू नहीं करेगी ना तो बहुत परेशान रहेगी। यस, अगर आप वेन डायग्राम से नहीं करोगे तो आप ही परेशान रहोगे, आपके आंसर्स नहीं आएंगे, मुश्किल से आएंगे। फॉर्मुलेज है मेरे पास, मैं सबके फॉर्मुले लिखवाऊंगा, राइट। लेकिन अब आगे, अभी तक तो बच्चों दो सब्जेक्ट की बात हो रही थी, मैथ्स और फिजिक्स की। अब पता है आगे नेक्स्ट क्लास में तीन सब्जेक्ट की बात होगी, हो सकता है मैं आज ही करवा दू तीन सब्जेक्ट वाला। तीन सब्जेक्ट मतलब है कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर उन पर पता है कितने लंबे इतने बड़े बड़े फॉर्मुले, इतने बड़े बड़े फॉर्मुले, उन फॉर्मुले को फिर तू रट के जाएगी, याद करेगी, या फिर यहाँ पर हाथ पर लिख के जाओगे या पैरों पर लिख कर जाओगे, है ना। अगर ऑनलाइन है तो फॉर्मुले की लिस्ट दीवार पर चिपका दोगे, है ना, वहां से पढ़ के बताओगे, इतने बड़े बड़े फॉर्मुले हैं। इसलिए जो बच्चा वेन डायग्राम से करेगा उसे फॉर्मुले याद करने की जरूरत नहीं है, पर कंडीशन अप्लाई अपने स्कूल टीचर से क्लियरली पूछ लेना, भाई हम तो वेन डायग्राम से आंसर देंगे और नंबर आपको देने हैं, देने हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको नंबर देने पड़ेंगे। हम गलत का है भाई, गलत है तो बताओ, नहीं लिखते हम फॉर्मूला, हम क्यों याद करें, नहीं याद करते हम, आपको आंसर चाहिए हम बता दें, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। जो लड़ सकता है वो नंबर ले आएगा, और जो नहीं लड़ सकता तो भैया वो फॉर्मूले याद कर ले, अगर तुम्हारी टीचर अलाउ करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे तुम्हारी टीचर बोले वैसे पढ़ाई करना। मैं तो नंबर सबके बराबर देता हूँ, फॉर्मूले से करोगे तो भी बराबर नंबर दूंगा, वेन डायग्राम से करोगे तो भी नंबर बराबर दूंगा, ठीक है, बाकी तुम्हारे स्कूल टीचर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल के लिए बच्चों लगा लेना, ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है बच्चों, वन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं आपको, एक सेट है बच्चों एन ऑफ ए, इसमें फोर एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में एट एलिमेंट्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए इंटर, और कुछ नहीं पता मुझे, इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता, तो ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। यस बच्चों, रेडी बच्चों, ठीक है, सभी सुनने को तैयार हैं। मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं है बच्चों, तो आप सभी सबसे पहले मेरा चोर मेथड लिख लो बच्चों, ये चोर मेथड से आंसर आएगा, चोर मेथड लिख लो बच्चों, डायलॉग लिख लो मेरा, मिनिमम वैल्यू, रेडी बच्चों बोलू, मिनिमम वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इज द ग्रेटर लिख लो, ग्रेटर नंबर बिटवीन एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी, एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी में से जो बड़ा होगा वही आंसर, वो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों। डायलॉग लिख लो बच्चों, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो बड़ा होगा वो आंसर होगा मिनिमम वैल्यू के लिए। ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू जो इन दोनों में से बड़ा होगा बच्चों, तो बताओ बच्चों एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से बड़ा कौन सा है, एन ऑफ बी, तो आंसर बच्चों आएगा एन ऑफ बी, एन ऑफ बी का मतलब एट, बिकॉज एन ऑफ बी ग्रेटर देन एन ऑफ ए, कोई डाउट। अब तुम कहोगे सर ये आपने बनाया कैसे फॉर्मूला, ऑफलाइन में होती है ना तो थोड़ा ज्यादा डिस्कशन होती, कुछ चीजें ना डिस्कशन से डिबेट से आती है, ऐसे एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारी 11th क्लास में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसका मजा जो ऑफलाइन में पढ़ाने का, आहा क्या मजा आता है उसका,
उसमें मैं तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में शादी में लेके जाऊंगा, नई नई ड्रेसेस दिलवाऊंगा, गोवा घुमाऊंगा उसके अंदर। लेकिन वो ऑनलाइन में ना वो फील नहीं आती, जो ऑफलाइन में फील आती है ना वो ऑनलाइन में फील नहीं आती। यस, तो मैं कोशिश करूंगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे पास आ जाओ। अच्छा बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का आंसर 8 क्यों है? आप अपनी ना थोड़ी सी आईक्यू लगाना, बादाम रोगन हाथ में लेकर नाक से ऐसे ऐसे खींच लेना तो बादाम रोगन सीधा यहां जाता है, वो सारी नसें खोल देता है, तो आईक्यू तेज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का आंसर 8 क्यों आया? सोचो कि 8 क्यों आया मिनिमम नंबर। अच्छा ये बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी के अंदर हम ए के भी एलिमेंट्स लेंगे, हम बी के भी एलिमेंट्स लेंगे, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सोचो बच्चों, एक बात सोचो, अगर बच्चों एन ऑफ ए में चार एलिमेंट है, लेट एन ऑफ ए में चार एलिमेंट है, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं A, B, C, D और N O B में भी चार N O B में A, B, C, D, E, F, G, H ये आठ एलिमेंट है। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसका मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ यूनियन B, आप A के भी लोगे, B के भी लोगे, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो बच्चों आंसर क्या लिखोगे आप यहां पर? आंसर क्या लिखोगे? A, B, C, D, E, F, G, H, आप ये वाले आठ के आठ लिख दोगे ना बच्चों, राइट? तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आठ आएगी ना। ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको एग्जांपल से नहीं समझाना, आपको केवल ये लिखना है इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो एक सेकेंड में। हाँ बच्चों, पहले बताओ ये स्टेप समझ आया? स्टेप समझ आया बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी का? मैंने एग्जांपल दिए पर आपको क्या करना है, जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। हाँ एक चीज और, अगर यूनियन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और यूनियन का आंसर मान लो ये आंसर यूनियन से बड़ा है, ये आंसर यूनियन से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं होगा। चलो कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर सोचेंगे, अभी आपको केवल ये करना है एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, पर अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जिसके अंदर एन ऑफ बी यूनियन से छोटा है, तो यूनियन से छोटा है तो बच्चों उसमें कोई क्वेश्चन देखूंगा, अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिल गया तो मैं देखता हूँ, मुझे आरडी में तो मुझे नहीं मिला कहीं भी। इसके ऊपर ना क्वेश्चन बड़े स्लैक, ये एक ही क्वेश्चन है बस बच्चों, एक नंबर का स्पेशल क्वेश्चन जिस पर आप स्पेशल लिखकर ना ट्रिपल टी लगा के याद कर लो, और क्वेश्चन ऐसे नहीं है। अच्छा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, इसके बारे में आप क्या सोचोगे बच्चों? इसमें तो सोच लिया जो दोनों में बड़ा नंबर होगा वो सोच लिया। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप एक फॉर्मूला लिखो, दोनों को प्लस कर दो। यस, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप दोनों को प्लस कर दोगे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप दोनों को प्लस कर दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आंसर आ गया 12। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप दोनों को प्लस कर दो। रेडी बच्चों, ए यूनियन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 ही तो हो सकती है बच्चों। सोचो ना आप भाई, 12 कब होगी यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू? जब इंटरसेक्शन 0 होगा। तो अगर इंटरसेक्शन 0 होगा तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा ना। मान लो मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूं, मान लो मैं एग्जांपल में ए बी सी डी नहीं लेता, ठीक है, मैं एग्जांपल में लेता हूं पी क्यू R, S, मैं ये लेता हूं। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन बच्चों 0 आ गया ना, इंटरसेक्शन 0 है तो दोनों को प्लस कर दूंगा ना मैं, तो N of A union B मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी?
दोनों को प्लस, 8 और 4 12, ये आंसर आएगा। तो ये फॉर्मुलेस आप याद कर लो, इट्स अ यूनिक क्वेश्चन, ऐसे और क्वेश्चन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये नंबर चेंज कर देगा टीचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए रेडी बच्चों, अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, देखना आप सभी। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को बोलने में तो काफी टाइम लगेगा। आप लोगों को मैं तीन मूवीज दे रहा हूं बच्चों, तो पलटी लगा लेना इस क्वेश्चन पर। ये सोचो, एक दे रहा हूं DDLJ, ठीक है, DDLJ तो सबको पता ही है। दूसरी दे रहा हूं बच्चों बाला तो पता ही है, कहीं मुझे देख के हंसने लग जाओ, बाला बच्चों। और तीसरा दे रहा हूं कबीर सिंह, बताओ बच्चों कबीर सिंह में कौन था, जल्दी बताओ कबीर सिंह में हीरो कौन है बच्चों, कबीर सिंह का। अंदर मैं क्या करने वाला हूं, एक पॉपुलेशन है बच्चों तुम्हारी, मान लो रोहिणी के बच्चे पॉपुलेशन, रोहिणी के बच्चों पर मैंने सर्वे किया, 50% बच्चे DDLJ पसंद करते हैं, 50% बच्चे DDLJ पसंद करते हैं। तो यहां पर N of D को लिख दो 50, DDLJ का मैंने कोडवर्ड ले लिया D, और बाला का कोडवर्ड ले लिया B, और कबीर सिंह का ले लिया K, ठीक है। और बाला को पसंद करने वाले 20% है बच्चों, बाला को पसंद करने वाले 20% हैं, और कबीर सिंह को पसंद करने वाले कितने हैं, वो भी 20% है बच्चों, 20%। सबसे ज्यादा बच्चों DDLJ आज भी तुम्हारा फेवरेट बना हुआ है, DDLJ सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों, 10% बोथ A and D, 10% बोथ डी एंड DDLJ एंड बाला, 10%। तो N of D intersection B, जो DDLJ और बाला दोनों पसंद करते हैं वो 10% है बच्चों, और 15% बाला और कबीर सिंह को पसंद करते हैं, 15% बाला और कबीर सिंह। तो 15 बाला कबीर सिंह 15% जो दोनों को पसंद करते हैं, और 10% है जो कबीर सिंह और DDLJ को पसंद करते हैं। तो 10% डी इंटरसेक्शन के 10%, ठीक है, 10% जो DDLJ और कबीर सिंह दोनों को पसंद करते हैं। और बच्चों 7% है जो तीनों को पसंद करते हैं, 7% तीनों को पसंद करते हैं। तो डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के 7%, ठीक है, राइट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली DDLJ पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो ओनली DDLJ पसंद करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली टू मूवीज, सेकंड है बच्चों एग्जैक्टली टू मूवीज पसंद करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है एटलीस्ट वन मूवी, ये थर्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ है नो मूवी, कोई भी मूवी पसंद नहीं करते, ये फोर्थ है बच्चों, ठीक है, फोर्थ है जो कोई मूवी पसंद नहीं करते, क्लियर। तो आप सभी ने क्वेश्चन देख लिए होंगे, कोई भी मूवी पसंद नहीं करते,
इसमें यूनिवर्सल सेटम क्या लेकर चलेंगे बच्चों? सो ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, है ना? यस बच्चों, रेडी बच्चों सभी? क्या सभी रेडी हो गए? ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना टोटल बच्चों, एन ऑफ यू ले लो 100। जब परसेंटेज की बात आती है ना तो 100 ले लिया करो भाई, उसी में से तो काउंट हो रहा है ना। मान लो 100 लोगों पर सर्वे किया, 100 लोगों पर सर्वे किया और ये परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन बताओ, समझ आ गया? तो क्या सॉल्यूशन स्टार्ट होगा? सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो आप अपने रजिस्टर पर, सबको लिख लो। यस बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, जल्दी से नोट करो। अब कर लिया, चलिए वीडियो ऑन कर दिए। ओके बच्चों, सबसे पहले जब भी बच्चों तीन वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, तीन सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है। यस, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन बच्चों, सबसे पहले देखो 7 है, आप यहां 7 लिख दो। 7 लिख दिया बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तीनों का इंटरसेक्शन 7 आ गया। अब बच्चों डी और बी का इंटरसेक्शन 10 है, डी और बी का इंटरसेक्शन 10 है, यानी ये यहां पर इतने एरिया में 10 लोग हैं, इतने एरिया में 10 लोग हैं बच्चों, तो यहां पर कितने लोग होंगे? 3। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? देखो बच्चों, डी इंटरसेक्शन बी 10 है ना, यानी ये वाला पोर्शन जो है 10 है ना बच्चों। अगर ये 10 है, 7 तो मैंने यहां लिख दिया, तो यहां कितने बच गए? 3 बच गए। एग्री बच्चों? अब यहां आ जाओ, डी बी और के, बी और के का इंटरसेक्शन 15 है, यानी ये इतने पोर्शन में 15 लोग हैं, तो यहां पर 8 आ गया बच्चों, तो 3 में से 7 माइनस कर दो, ठीक है। अब बच्चों और क्या रह गया? डी एंड के, डी एंड के में 10 लोग हैं बच्चों, तो 10 है तो 10 में से 7 माइनस कर दो, यहां पर 3 आ गया। कोई डाउट? यहां तक समझ आ गया सभी को? ओके, अब बच्चों ये बताओ, ओनली डी, ओनली डी डी एलजे के लिए मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ? ओनली डी डी एलजे देखने वाले कितने लोग हैं? ओनली डी डी एलजे देखने वाले यहां कितने लोग हैं बच्चों जल्दी बताओ? यहां पर करो बच्चों कैलकुलेशन, मुझे बताओ इस एरिया में कितने लोग आएंगे? यस, तो कैसे प्लस करो? देखो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 50 में से 13 माइनस कर दो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ओनली डी डी एलजे के लिए आंसर बच्चों 50 में से आप 3 + 7 + 3, 3 + 7 + 3, राइट, तो 7 और 3 10 और 3 13 माइनस कर दो, तो कितने आ गए बच्चों? 37, तो आंसर आ गया 37। एनी डाउट? ओके बच्चों, ऐसे ओनली बाला वाले निकाल लो, निकाल लो बच्चों ओनली बाला वाले, चाहे नहीं पूछा गया पर आप फिर भी निकालो। यस, ओनली बाला वाले कितने बच्चे हैं? 7 और 3 2 बच्चे हैं ओनली बाला वाले। ओनली कबीर सिंह वाले कितने हैं? वो भी कर लो, 8 और 7 15 और 3 18, यहां पर भी 2 आया बच्चों, ठीक है। ओनली कबीर सिंह वाले भी 2 है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। अच्छा बच्चों अब ये बताओ एग्जैक्ट सेकंड आंसर कौन देगा? एग्जैक्टली 2 मूवीज, एग्जैक्टली 2 मूवीज देखने वाले कितने लोग हैं जल्दी बताओ? वेन डायग्राम में देखो एग्जैक्टली 2 मूवीज वाले कितने लोग हैं? एग्जैक्टली 2 मूवीज वाले सोचो बच्चों, आंसर दो जल्दी से। एग्जैक्टली 2 मूवीज वाले कौन कितने लोग हैं बच्चों जल्दी बताओ? जल्दी बच्चों, आंसर आ रहा है 1 का 35 1 का 14। ओहो, बहुत फर्क है भाई। एग्जैक्टली 2 मूवीज वाले बच्चों 35 गलत है, 35 गलत है भाई, 35 गलत है। यस, आंसर 14 है बच्चों, 14 आंसर, 14 आंसर राइट है, 14
14 विनर है, अगर तुम मेरे सामने बैठे होते एक छोटी सी चॉकलेट मैं आपको जरूर देता 14 वालों। यस, तो एग्जैक्टली टू मूवीज का मतलब पता है क्या बच्चों, केवल दो देखने वाले, एग्जैक्टली टू। तो आप क्या करोगे, आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे और इसको प्लस करोगे, तो आप 3 यहां से 3 उठाओ, एग्जैक्टली 2 वाले यहां से 8 उठाओ, 3 प्लस 8 प्लस 3 14 आंसर, तो 14 आंसर आ गया बच्चों। एनी डाउट बच्चों, एग्जैक्टली 2 मूवीज का आंसर कैसे दिया, 3 यहां से उठाओगे, 8 यहां से उठाओगे, 3 यहां से उठाओगे, ओके। अब बच्चों एटलीस्ट वन मूवी का आंसर बताओ, कम से कम एक मूवी देखने वाले 41, सोहम का आंसर 41 है, एटलीस्ट वन मूवी वाले मैं वेट कर रहा हूं, 41, खुशी का आंसर 41, और बताओ दिव्यांशी 41, यस तनिषा 41, वेरी गुड, क्या थी 41, वेरी गुड, सभी 41, इसका मतलब है सभी को समझ में आ गया मंथन क्या बात है भाई, 41, वेरी गुड, एटलीस्ट वन का मतलब है सबको प्लस कर दो, इस सर्कल में जितने भी है ना सबको प्लस कर दो बच्चों, ठीक है, तो एटलीस्ट वन मूवी के लिए सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर देना बच्चों, यहां से 37 उठाओ प्लस यहां से 3 उठाओ, फिंगर में इसके रख लो भूल ना जाओ, यहां से 2 उठाओ, यहां से 7 उठाओ, यहां से बच्चों 8 उठाओ और यहां से 3 उठाओ और यहां से 2 उठाओ, 3 प्लस 2, ये सोचो एटलीस्ट वन बोला था ना मैंने, 41 आंसर, फोर्टी वन वाले सारे गलत है, सब बच्चे 41 वाले गलत है बच्चों, ये सोचो 41 वाले सभी बच्चे गलत हैं, यस अब आए ना सही रास्ते पर, 41 वाले सभी गलत है बच्चों, ठीक है, फॉर एटलीस्ट वन का मतलब है यूनियन हो गया ना बच्चों, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, पता है एटलीस्ट वन मूवी का मतलब क्या है, एन ऑफ डी यूनियन बी यूनियन के, जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी में करते हैं ना बच्चों, जब हम सबको प्लस करते हैं ऐसे इसमें भी सबको प्लस करने, तो सबको प्लस कर दो तो कितना हो गया 40, 42 और 49 और 57 और 5, 57 62 आ रहा है बच्चों, मैं चेक करना, तुमने 62 ही बोला ना सभी ने, ओके 62 बच्चों क्लियर। अब बताओ नो मूवी, कोई भी मूवी देखने वाले कितने लोग हैं, जो मूवी देखते ही नहीं, क्या बात है बड़ी स्पीड से, जीरो, अरे जीरो साइना जीरो गलत है, क्यों भाई गलत, जीरो वाले गलत, 10 वाले भी गलत, 18 वाले भी गलत, 10 वाले भी गलत, ये सोचो दोबारा सोचो, नो मूवी कितने लोगों पर सर्वे किया है, कितने लोगों पर सर्वे किया था, सो 100 में से आप इसको माइनस कर दो ना 62 को, यस 38 वाले सही है, ओके बच्चों, तो नो मूवी का मतलब है एन ऑफ डी यूनियन बी यूनियन के होल डैश, नो मूवी का मतलब है इसका डैश, और इसका डैश का मतलब है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ डी यूनियन बी यूनियन के, यानी 100 में से 62 माइनस कर दो तो 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है बच्चों तो बताओ मुझे जल्दी से, कुछ भी पूछना है तो मुझे बताओ बच्चों।